उन्नाव, गांव सलेमपुर, करोवन ब्लॉक का हाल हुआ बेहाल। ग्राम प्रधान की लापरवाही। स्वच्छ भारत मिशन में अड़े आया एक व्यक्ति, एक लोग के कारण 25 घर के सैकड़ों लोग परेशान। कोई नहीं दे रहा ध्यान। गली का रास्ता हुआ बंद। नाली में पानी व गंदगी के कारण फैल रही है बीमारी। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता कमलेश तिवारी से खास खबर इस बारे में। आज मैं अपनी सलेमपुर ग्राम सभा का निरीक्षण। एक गली है जो अरविंद तिवारी के घर से शुरू होती है, भोला यादव के घर पे ख़त्म होती है। उसकी कट सच्चाई प्रधान के द्वारा जो दिया जा रहा है मैं दिखाऊंगा आपको। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लापरवाही को दर्शाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइए देखिए आप इस गली का दो तीन महीने से कितना बुरा हाल है। 20-25 लोगों के घर हैं जिनको निकलने में कीचड़ से भर के निकलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके दर्द को आप देखिए। इतनी पुरानी गली है, ये प्रधान की घोर लापरवाही है, जिसको मैं कुछ ग्रामवासियों से भी आपकी बात दिखाता हूँ, बात कराता हूँ। आइए, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं मिस्टर सुरेश तिवारी जी, सुरेश अग्नोत्री से बात कराता हूँ। हाँ, अरे कहना का था जो उन्हें निकलब तो आफत है। कहाँ गांव उतनी दूर गिरे क्या, और सड़क पर जब आवक पर भरा है पानी। हाँ, पानी बहुत भरा है। प्रधान जो है गली खाली है, सड़क ऊँचे है, पानी नहीं निकल रहा। साहब कहाँ करी बताओ। इसी क्रम में मैं अरविंद तिवारी से। जय हिंद जय भारत। ये ग्राम प्रधान और खंड विकास सिकंदरपुर सरोसी उन्नाव के तहत ये भारतीय मिशन स्वच्छ मिशन के आधार पे ये COVID-19 को देखते हुए अनेकों अनेक बीमारियां इस गली के माध्यम से सड़क का निर्माण हो रहा है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इस सड़क को रोका गया और पानी का निकास नहीं है। अनेकों अनेक बीमारियां फैल रही हैं, जिससे जन मानस में बहुत ही असमंजस फैल रहा है। अनेकों प्रकार की कई व्यक्तियों को डेंगू, तो अनेकों अनेक बीमारियां, अनेकों अनेक जो है बीमार हो गए हैं, और शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आते हैं वापस हो जाते हैं। जय भारत जय हिंद। आप बीती जग बीती से जिला संवाददाता कमलेश कुमार तिवारी।